ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। आज श्रीमती उषा देवी चौधरी सेवा फाउंडेशन एवं सामगढ़ से जनसेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में प्रातः 11 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि श्री संजय चौक से थाना प्रभारी शामगढ़ श्रीमती सीमा मेहता, अध्यक्ष पोरवाल मंडल प्रकाश पोरवाल, अध्यक्ष पोरवाल समाज शामगढ़ के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। दोनों संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला यह छठा शिविर है। शिविर में जिला चिकित्सकों की उपस्थिति में रक्तदान संपन्न हुआ। दोपहर 3 बजे तक 95 यूनिट ब्लड इकट्ठा हो गया था। नगर में रक्तदान का पहला शिविर आयोजित करने का श्रेय भी सामगढ़ सज्जन समाज सेवा समिति को ही जाता है। सज्जन के रक्तदान प्रभारी नितिन मधुसूदन चौधरी के सौजन्य से माताजी की स्मृति में यह शिविर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, वह आगे भी निरंतर आयोजित होता रहे। सामगढ़ सज्जन समाज सेवा समिति एवं श्रीमती उषा देवी चौधरी फाउंडेशन सामगढ़ द्वारा छठा रक्तदान शिविर शासकीय अस्पताल में आयोजित किया गया। इसमें अभी तक 50 से अधिक यूनिट का रक्तदान हो चुका है। मैं सभी भाइयों से, युवा वर्ग से, मातृशक्ति से निवेदन करूँगा कि रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। यदि आप रक्तदान करोगे तो किसी की जान बचाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मुकेश दान। आप स्वयं डॉक्टर हैं और आपने स्वयं ब्लड दिया है, तो आप रक्तदान के फायदे बताएं सबको। रक्तदान जहां एक ओर हमें परमार्थ की ओर ले जाता है, अन्य व्यक्तियों की जान बचाने में सहायक है, वहीं स्वयं के शरीर को कई व्याधियों एवं बीमारियों से सतत शक्ति प्रदान करता है। एक बार रक्तदान के 48 घंटे पश्चात पुनः पर्याप्त मात्रा में रक्त शरीर के अंदर निर्माण हो जाता है। शरीर को अन्य रोगों से लड़ने के लिए जिस प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत रहती है, वो भी रक्तदान के द्वारा पुनः जागृत होती है। ऐसी भ्रांति है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर होता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, अभी विगत दिनों हमारे एक मित्र का जन्मदिन था, उस पर 8 मित्रों ने रक्तदान करने के पश्चात क्रिकेट मैच का आयोजन किया और क्रिकेट खेला था। सिर्फ इसी उद्देश्य से कि लोगों में यह जागृति फैलाई जाए कि रक्तदान करने के बाद किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है, अपना नियमित कार्य आदमी सुचारू रूप से कर सकता है। संस्था के प्रमुख विजय चौधरी और निक्कू मेहता योगेश काला ने बताया कि शिविर में प्रतिवर्ष नगर के रक्तदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नगर के युवाओं खासकर महिलाओं में रक्तदान के क्षेत्र में विशेष जागरूकता देखने को मिलती है। शिविर आयोजित करता नितिन चौधरी और सदस्य जगदीश वेदमहान ने सभी सामाजिक संस्थाओं में समाज सेवी और रक्त यादव का इसी महायज्ञ में आहुति देने पर आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश गरुड़ से टाइम्स 18 न्यूज के लिए राकेश ग्वाला की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर।